साक्षी एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। 100 साल पहले चर्चा का विषय थी ये महिला जिसे कोई नहीं हंसा पाया। कॉमेडियन आज भी लेते हैं इनका नाम। वॉडविले 1880 से 1930 के दशक तक अमेरिकी मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय रूप था और संभवतः इसे आधुनिक अमेरिकी पॉप संस्कृति का पूर्व नाम दिया जाता है। वॉडविले में सामान्य रूप से हंसाने वाले छोटे कृत्यों की अनेक श्रृंखला शामिल होती है। उस समय में हर अपेक्षाकृत बड़े शहर में अपना स्वयं का वॉडविले थिएटर था। न्यूयॉर्क के लिए हैमस्टीन था। विक्टोरिया थिएटर 19वीं शताब्दी के अंत में थिएटर मोगुल ऑस्कर हैमस्टीन द्वारा खोला गया। न्यूयॉर्क का एक प्रमुख अमेरिकी वॉडविले घर था। बाद में इसके ऊपर पैराडाइज रूफ गार्डन बनाया गया और दोनों स्थानों को सामूहिक रूप से हैमरस्टीन के नाम से जाना जाने लगा। 1904 से 1914 तक यह घर ऑस्कर के बेटे बिली हैमरस्टीन द्वारा चलाया गया था, जो कि अत्यधिक लोकप्रिय वॉडविले कृत्यों पर काम करते थे, जिनमें से एक कुख्यात सोबर सू एक्ट था। 1907 में सोबर सू के उपनाम से एक कलाकार रूफ गार्डन में मंच पर दिखाई देने लगा और उसे जो लड़की कभी हंस नहीं सकती के रूप में संदर्भित किया जाता था। थिएटर के निर्माताओं ने उसे $1,000 का पुरस्कार देने का ऐलान किया, जो सोबर सू के चेहरे पर मुस्कान ला दे। सबसे पहले दर्शकों में से कुछ लोग मंच पर आए और मजाकिया चेहरे बनाए या अपने सबसे अच्छे चुटकुले सुनाए, लेकिन वे सभी असफल रहे। सोबर सू का चेहरा गंभीर बना रहा। इसके बाद पेशेवर हास्य कलाकारों ने चुनौती लेना शुरू किया और अपनी सर्वश्रेष्ठता का प्रदर्शन किया, लेकिन सोबर सू फिर भी नहीं मुस्कुराई। नतीजन उनकी दिनचर्या बेहद लोकप्रिय हो गई और दर्शकों का उस समय के सर्वश्रेष्ठ पेशेवर हास्य कलाकारों ऐसे ही मनोरंजन करने लगे। सोबर सू के भावहीन चेहरे के बारे में विभिन्न सिद्धांत निकाले गए। कुछ लोगों ने कहा कि वह आंशिक रूप से अंधी या बहरी थी, लेकिन सच्चाई आखिरकार 1907 में सामने आई। सू के लिए मुस्कुराना या हंसना असंभव था क्योंकि उसके चेहरे की मांसपेशियां लकवाग्रस्त थी। बाद में यह पता चला कि वॉडविले घोटाले को विली हैमरस्टीन ने किया था, जो पैराडाइज रूफ गार्डन का प्रबंधन करता था। विली हैमस्टर ने सोबर सू को प्रति सप्ताह $20 का देता था, जो उस समय कम नहीं था। लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद विली की निंदा की गई और कॉमेडियन ने उन्हें कभी माफ नहीं किया। सोबर सू के बारे में बहुत सारे विवरण अभी भी अज्ञात है और उनकी कोई तस्वीर नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सू का वास्तविक नाम सुसान केली था और वह मोबियस सिंड्रोम से पीड़ित थी। ये एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें सिर की नसें कमजोर होती है। हालांकि ये केवल कल्पनाओं से ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी सोबर सू ने हमें एक विरासत छोड़ दी। उनका नाम विशेष रूप से कठिन दर्शकों के लिए एक उदाहरण के रूप में शो व्यवसाय में उपयोग किया जाता रहेगा। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज़ की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।